A very healthy good morning to you all. And I'm your GK teacher. And children, I hope you all are fit and fine and absolutely healthy in your home. Okay? Children, today's GK topic is the superlatives. Okay? And you have to do the all work neat and clean in your GK notebook. Okay? In correct time. Not after 15 or 20 days. देखिए बेटा, आपको ये काम डेट वाइज ही करना है. आज 1 सितंबर को ये वर्क मैं अपलोड कर रही हूँ, आपका आज ही हो जाना चाहिए. 10 या 15 डेज बाद आप लोग कहते हैं, मैम हमारा PDF नहीं खुल रहा, हमारी वीडियो नहीं खुल रही. तो हाउ कैन दैट पॉसिबल बेटा? अगर आप 10 डेज बाद, 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद खोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना. PDF इतनी लेट कैसे खुलेगा? ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक. द हाइएस्ट माउंटेन पिक, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 भी कहते हैं. ओके, द हाइएस्ट डैम, सबसे हाइएस्ट डैम बांध कौन सा है? टिहरी डैम कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में. ओके, द हाइएस्ट वाटरफॉल, दैट इज कुंचिकल वाटरफॉल, इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका. ओके, वाटरफॉल का मीन्स जानते हैं ना आप, झरना टाइप में होता है, जैसे आपने कॉर्बेट फॉल देखा होगा ना, जस्ट लाइक दिस वाटरफॉल ही है वो भी एक तरह का. द हाइएस्ट गेटवे, दैट इज बुलंद दरवाजा, कहाँ पर है ये? फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश. ओके, द हाइएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? मौसिनराम, प्रोनंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, मौसिनराम, इट इज़ इन मेघालय. द हाइएस्ट एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ले लद्दाख. ओके, द हाइएस्ट स्टैचू, स्टैचू मीन्स मूर्ति, जैन संत गोमतेश्वर. ओके, इसका प्रोनंसिएशन बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आपको प्रॉब्लम होगी. जैन संत गोमतेश्वर. ओके, एंड इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका. द लार्जेस्ट टेम्पल, ओके, सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, दैट इज श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एंड इट इज इन तमिलनाडु. ओके, द लार्जेस्ट मॉस्क, मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, ठीक है, जहाँ मुस्लिम्स अपने प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉस्क, एंड इट इज जामा मस्जिद, कहाँ है ये? दिल्ली में. ओके, द लार्जेस्ट चर्च, द लार्जेस्ट चर्च है सी कैथेड्रल. ओके, दैट इज द लार्जेस्ट चर्च एंड इट इज सिचुएटेड इन गोवा. नाउ द 11th वन, द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा इज द होली प्लेस ऑफ सिख, सिख लोग जाते हैं ना गुरुद्वारा प्रे करने, यस, एंड इट इज गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ पर है? अमृतसर. द लार्जेस्ट म्यूजियम, म्यूजियम मीन्स होता है बेटा संग्रहालय, जहाँ चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाती हैं, मे बी बुक्स हों या कोई मॉन्यूमेंट्स हों. ओके, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम, एंड इट इज नेशनल म्यूजियम एंड सिचुएटेड इन कोलकाता. ओके, द लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, एंड इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. ओके, द 14th वन, द लार्जेस्ट डोम, गुंबद कहते हैं इसे, दैट इज गोल गुंबज, एंड इट इज सिचुएटेड इन बीजापुर कर्नाटका. द लार्जेस्ट जू, जू का मतलब तो सबको मालूम होगा, चिड़ियाघर, दैट इज जूलॉजिकल गार्डन, इट इज सिचुएटेड इन अलीपुर कोलकाता. द लार्जेस्ट केव, केव मीन्स होता है बेटा गुफा, एंड इट इज अमरनाथ केव, इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ द 17th वन, द लार्जेस्ट स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब तो सबको मालूम ही होगा, जहाँ गेम्स खेलते हैं ना, दैट इज सॉल्ट लेक स्टेडियम, एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता. ओके, नाउ द 18th वन, द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम, एंड इट इज बिरला प्लेनेटेरियम, इट इज सिचुएटेड इन ऑल्सो इन कोलकाता. द लार्जेस्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स आई थिंक यू ऑल नो दैट, जहाँ बुक्स वगैरह कलेक्ट करके रखी जाती है, हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना,
just like this, but it is the largest library and it is National Library situated in Kolkata. Okay, and the last one, 20th, the longest dam. बेटा आपने पहले पढ़ा था, सब पहले पढ़ा था highest dam. Don't confuse between the both dam. It is highest dam and it is longest dam. And the longest dam is Hirakud Dam and it is situated in Odisha. Both are different. One is highest and one is longest. Okay, you have to do it in your GK notebook in neat and clean handwriting and learn also. This topic is very important. Okay, now we will meet on the next video. Till then, stay home, stay safe. Have a nice day, children.